हमारे मौजू कल या परसों की एक मजलिस इस हवाले से आ रही, लेकिन फिलहाल इतना ही काफी। शेख की मादर गरानी का इंतकाल, नजफ अशरफ मौला के रोजे का सहन, मरके वक्त और ऐसा हसीन मर गए, और उनकी मां का इंतकाल, सारा नजफ टूट पड़ा। करबला इत्तला मिली, वहां से लोग आ गए, अतराफ सब लोग जमा हो शेख मुर्तजा अंसारी को देखे, नंगे सर अमामा उतार के फेंक दिया, गरेबान चाक, और इस तरह से मां की मैयत में मातम कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे मां की वजह से रोते। शागिर करीब आए, चुपके से कहा कि या शेख, आप इस वक्त सारी दुनिया की निगाहों का मरकज हैं और आप इस अंदाज से रो रहे, अच्छा नहीं लग रहा। शेख ने कहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? का एक तो आपकी उम्र 60 साल के करीब तो थी, उम्र वैसे ही जरा सी गुर्दबारी आनी चाहिए, और फिर आप इस वक्त आलिम नहीं, मुश्तहिद नहीं, मर्जे नहीं, ऐसे नायब इमाम है जिनकी जिनके इल्म और मर्जियत की गवाही इमाम दे के गए, आप इस तरह से, वो अच्छा नहीं लग रहा। शेख ने कहा, तुमने जो कुछ बताया, लेकिन क्या तुम्हें पता कि मैं शेख क्यों हूं, मैं एक आलिम क्यों हूं, मैं एक मुश्तहिद क्यों हूं, मैं एक नायब इमाम क्यों हूं, मैं एक मर्जे क्यों हूं? ये मेरी मादर गरामी ही तो थी ये, जिसकी वजह से आज मैं मुश्तहिद कहला रहा हूं, आज मैं नायब इमाम कहला रहा हूं, आज मैं मर्जे कहला रहा हूं। अगर मेरी मां न होती तो आज शेख शेख न होता, एक आम तालिब इल्म होता। हकीकत यह है कि इतना बड़ा हिस्सा होता कि बाद उलमा एक जुमला कहते कि आज तक कोई औरत न नबी बनी न इमाम, लेकिन नबी ने भी अगर परवरिश पाई तो किसी खातून की गोद, और इमाम भी अगर बले तो किसी मासूम मां या किसी मां की गोद। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम यहां आके इमाम बनते, कोई इमामत को लेके आते, लेकिन परवरदिगार ने औरत का रुतबा इतना बुलंद किया, अलबत्त अगर ऐसी औरत हो जैसे शेख की मां, और अगर ऐसी औरत हो